अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियाँ उमर, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। इस टाइम हम मौजूद हैं जी लाहौर स्मार्ट सिटी के जो ब्लॉक है फर्स्ट बैलेट वाला, जिसको जिसका नाम चेंज किया गया था ओवरसीज़ वन का, उसका अब नाम है जी ओवरसीज़ ईस्ट। और उसके अंदर हम सेक्टर ए के अंदर मौजूद हैं। और ये सामने जो है ये वाला पूरा रोड जो है ये पार्क रोड है, और ये पार्क रोड जो है सेग्रीगेट करता है सेक्टर बी को और सेक्टर ए को। हमारे लेफ्ट साइड पे जो है वो सेक्टर बी है और राइट साइड पे जो है वो सेक्टर ए है। और ये आपको थोड़ा सा दिखाना था इस तरफ कि लास्ट टाइम जो हमने विज़िट किया था तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये इस चौक तक जो है ये सारी डेवलपमेंट हुई हुई थी, इधर तक, यहाँ तक, इधर तक डेवलपमेंट हुई हुई थी। और वो जो यहाँ से ये ट्रक आ रहा है, ये रोड जो है वो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था। तो अभी हमारी जो मैनेजमेंट से जो कुछ ऑफिशियल से बात हुई है तो ये वाली जो लैंड है ये सारी की सारी इनके पोजेशन में है, और यहाँ पे जो है ये भी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होगी आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर। और ये जो है ये पार्क रोड है सीधा, जो आगे वो टैंकी को जाके जो है वो मिलाएगा। इसके अंदर बहुत सारे लोग कह रहे थे जी आप एग्जेक्टिव की वीडियो बनाएं, एग्जेक्टिव ब्लॉग की, तो एग्जेक्टिव ब्लॉग के अंदर भी दिखाने लायक कुछ है नहीं। ये सारा जो है ये सामने एक मदरसा है जो कि सेक्टर ए के दरमियान में आता है, और उसकी बैक साइड पे जो है वो सारा डेवलपमेंट का काम जो है वहाँ पे भी चल रहा है। और ये है कि एग्जेक्टिव के अंदर अभी तक जो है वो सिर्फ ज़मीनें ही हैं इस तरीके से। तो कोशिश करते हैं कि एग्जेक्टिव वाला जो एरिया है वो, ताकि एरिया आपको दिखा दें कि ये वाला एरिया है और उसका जो लैंड है वो सारे का सारा जो है वो सोसाइटी के कब्ज़े में है। तो अभी थोड़ा सा ये आपको दिखाते हैं, ये जो लास्ट टाइम भी यहाँ पे सेक्टर बी में इससे पहले पहले तक जो है वो काम हो रहा था, तो आज जो है वो बाकायदा ये जो ये वाली ये वो जगह है जहाँ पे विलास जो है वो बनेंगे, जो उन्होंने विलास के लिए जगह रखी हुई है। तो मैं पर्सनली जो है वो रेकमेंड, अगर कोई रेकमेंडेशन पूछता है तो मैं खुद तो पर्सनली जो है वो रेकमेंड नहीं करता कि सोसाइटी जो है वो अपने विलास बना के जो है वो सेल करे, क्योंकि उसे एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये है कि आप ये वाले प्लॉट्स हैं ये ऑन ग्राउंड करके आप बेच सकते हैं। ये वाला जो है ये पार्क है, ये ट्राइंगल जो है ये पार्क का एरिया है, और ये सारा यहाँ पे रोड्स बन रही हैं, कारपेट हो रही हैं, डेवलपमेंट का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे चल रहा है। ये सेक्टर बी है सामने, ये सामने जो है ये स्कूल है, इसकी भी जो है वो दीवारें हो रही हैं, साइडों पे बाउंड्री वॉल जो है वो इसकी हो रही है। बाकी ऑलमोस्ट सेक्टर बी जो है वो सारे का सारा कंप्लीट हो गया है। पोजेशन जो है वो कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जी पोजेशन कब देंगे, तो ईद के बाद इवेंट जो है वो मैनेजमेंट रखने का सोच रही है, जिसके अंदर जो है वो सेक्टर बी को और सेक्टर ए को जो है पोजेशन दिया जाएगा। सेक्टर ए को अगर थोड़ा सा डिले भी हुआ तो सेक्टर बी को जो है वो पोजेशन दे दिया जाएगा। और इस टाइम ये सारा वो जगह है ये वाली सारी जहाँ पे विलाज जो है वो मैप के अंदर पिंक कलर का जो है वो प्लॉट नज़र आते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये विलास की जगह है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया है स्कूल का, देखिए बिल्कुल सामने जो है वो स्कूल है, और स्कूल से इस तरफ जो है कुछ इस तरीके से पैरेलल हैं और कुछ इस तरीके से रोड्स हैं। जो इस तरीके से रोड्स हैं वहाँ पे इनका जो विलाज हैं उसके लिए इन्होंने जगह रखी हुई थी कि जी हम विलाज जो है वहाँ पे सोसाइटी विलाज बना के बेचेगी। तो विलाज जो है वो इस टाइम हाईली नॉट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। आई थिंक सोसाइटी को भी अगर कोई मैनेजमेंट ये सजेशन सुनता है तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी कोई इंप्लीमेंट कर लें। जैसे हम काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि कंटेनर्स की जगह नहीं ठीक, तो कंटेनर्स अच्छी जगह पे लगे हैं, तो आई होप कोई ना कोई सुनता ही होगा। तो मैनेजमेंट का कोई बंदा अगर इस चीज़ को अगर देखता है तो इस टाइम विलास की जो प्राइसेस हैं, विलास जैसे तरीके से पहले बनाए थे 5 मरले का जो विला है वो 2 करोड़ 60-65 लाख रुपये का है, तो वो टू मच जो है वो उसकी कॉस्ट है। और उसके बरक्स अगर आप यहाँ पे 60-65 लाख का ऑन ग्राउंड प्लॉट अगर आप बेच देते हैं तो वो जो है वो लोगों की रेंज में
आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से इकॉनमी जो है वो स्ट्रेस में है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको फंड्स का प्रॉब्लम है, तो लोग जो हैं वो विला से बेहतर है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना जो है वो प्रेफर करेंगे, कि उसके बाद ऑन ग्राउंड जो है वो जब उनका दिल करेगा तो वो लोग बना लेंगे। ये सारी डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। ये सारा जो है ये सेक्टर बी का एरिया है और ये स्ट्रीट नंबर 4 है। लास्ट व्लॉग भी जो मैंने बनाया था उसके अंदर ही मैंने दिखाया था ये स्ट्रीट, प्रॉपर मैपिंग के साथ जो है वो मैंने ये आपको स्ट्रीट्स जो हैं वो दिखाई थी। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड के ऊपर जो है वो आपको वो वाली वीडियो जो है वो शो हो जो सेक्टर बी की हमने लास्ट टाइम यहाँ पर बनाई थी, और काफ़ी जो है वो काम यहाँ पर बाकी था उस टाइम। सारी ये वाली जितनी स्ट्रीट्स हैं, एक वो स्ट्रीट अभी कारपेट हुई है, ये कारपेट हो गई है, वो कारपेट हो गई है, स्ट्रीट नंबर 4 जो है ये कारपेट हो गई थी, कारपेट नहीं हुई थी उस टाइम, लेकिन अभी सारी स्ट्रीट्स जो हैं वो कारपेट हो गई हैं। तो इसके अंदर ये है कि डेवलपमेंट का काम जो है वो चल रहा है, स्टॉप रुका नहीं है किसी भी स्टेज पर। हमें ये नहीं लगता कि जो है वो डिवेलपमेंट जो है वो काम उसका रुक गया है। तो अभी आपको जो है वो पहली तरफ लेके जाते हैं, उस तरफ वो सेक्टर ए का एरिया है और वहाँ पे भी जो है ये पार्क रोड चल रहा है, और उसके आगे वो जो रोड है वो रोड पे वहाँ पे भी जो कंक्रीट टाइप है रोड बनाने के लिए वो फेंका जा रहा है, और इस रोड को आगे एक्सपेंड किया जाएगा। वो कुछ ऑफिशियल्स भी खड़े हैं वहाँ पे, उनसे बात भी करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस अगर वो हमें आंसर कर देंगे तो वो फिर इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं ब्रीफ करूँगा। ये है जी पार्क रोड, पार्क रोड के दरमियान में जो है वो ग्रीन बेल्ट होगी। मैं आपको ग्रीन बेल्ट का जो है वो एरिया दिखाता हूँ कि ग्रीन बेल्ट का कितना ज़्यादा एरिया जो है वो यहाँ पर इन्होंने छोड़ा हुआ है, और ऑब्वियस बात है कि उसके दोनों साइडों पे जिनके प्लॉट्स होंगे 5 मरला के प्लॉट्स हैं, तो उनके सामने जो है वो एक आर्टिफिशियल उनको ग्राउंड ही आप इसको कह सकते हैं, पार्क ही कह सकते हैं। ये सारा एरिया जो है ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे का सारा जो है ये पार्क एरिया है, पार्क है। ग्रीन बेल्ट बनेगी पार्क रोड के साथ साथ, और ये मैं आपको दिखाता हूँ सेक्टर ए के अंदर। सेक्टर ए में इस तरफ को जो है वो रोड्स जो है वो बनना स्टार्ट हुआ हुआ है, और ये अभी यहाँ पे इन्होंने पत्थर जो है वो फेंके थे, सीवरेज वगैरह जो है यहाँ तक डल चुका है, उससे आगे सीवरेज डलेगा अभी। तो ये जो है वो कंटेनर्स हैं रोड बनाने के लिए जो पत्थर लेके आए हैं, ठीक ठाक। यहाँ तक जो है ये जी बन चुका है रोड, सीवरेज डल चुका है यहाँ तक। ये ज़मीन जो है यहाँ पे भी जो है गंदम कट गई है, तो ये ज़मीन जो है ये ले ली जाएगी। ये इस तरीके से जो पत्थर है सारा ये रोड बनाने के लिए जो है वो यहाँ पे डंप किया जा रहा है, और इस तरफ भी जो
सीवरेज है वो डल गया हुआ है। ये सारा लैंड जो है ये बाय कर लिया है सोसाइटी के पास है। ये सारा लैंड जो है अभी गंदम कट गई है, तो ये ज़मीन जो है वो सोसाइटी की पोजेशन में आ जाएगा और आने वाले 2 से 3 माह के अंदर जो है हमें ये सारा एरिया जो है वो डेवलप मिलेगा। तो ये बिल्कुल सामने जो है वो सेक्टर 1 की डेवलपमेंट हो रही है, वो बिल्कुल जो सामने क्रेन्स लगी हुई, मैं आपको यहाँ से जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जो क्रेन्स लगी हुई है ये सारे का सारा जो है ये सेक्टर 1 है, पार्क रोड के बिल्कुल साथ जो है वो इस तरफ ये पार्क रोड है यहाँ से, और ये सारा जो है वो सेक्टर 1 का एरिया है और ये बाउंड्री के साथ साथ जो है वो सारा सेक्टर 1 की जो है वो डेवलपमेंट हुई हुई है। तो आप लोगों को दिखाने का मकसद ये होता है कि सोसाइटी जो है वो काम कर रही है, काफ़ी स्पीडी काम हो रहा है यहाँ पे, और जो रूमर्स हैं सोसाइटी के बारे में और जो अदर सोसाइटीज़ वाले हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो फजूल चीज़ें जो है वो मार्केट में स्प्रेड करते रहते हैं पोजेशन से रिलेटेड कि जी डिलीवरी नहीं देनी, ये हो गया वो हो गया। तो ये आपके सामने जो है वो हर चीज़ जो है वो ऑन ग्राउंड जो है वो काम हो रहा है। अभी मैं आपको वो सेक्टर 1 में जो है वो आगे लेके जाता हूँ, उधर जाके जो है वो आपसे दिखाते हैं कि वहाँ पे जो है वो कितनी डेवलपमेंट जो है वो हो गई है। ये मैं इस टाइम जी पार्क रोड के बिल्कुल जो ये वाटर टैंक है इसके बिल्कुल साथ खड़ा हूँ, और लास्ट टाइम जो है ये रोड बिल्कुल भी जो है ना ये सिर्फ एक बेड बना हुआ था, लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो एस्फॉल्ट होने वाला है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये सारा सीवरेज जो है ये डल चुका हुआ है, यहाँ पे अब रोड जो है वो बनेगा और इसके साथ साथ वाटर टैंक के बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे सारा सेक्टर 1 में वो दूर तक जो है वो काम हो रहा है। ये सारा सेक्टर 1 है, और वो जो आगे क्रेन लगी हुई है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो क्रेन लगी हुई है यहाँ पर भी, ये भी सेक्टर 1 है और यहाँ पर भी जो है वो काम हो रहा है, और ये सारा सेक्टर 1 है। अगर आप लोगों ने, बहुत सारे लोग जो हैं वो सजेशंस हमारे से मांग रहे थे कि जी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, कौन से ब्लॉक में लिया जाए, तो अब मैं आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ आप उसको मैप के साथ थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे चीज़ों को। तो बिल्कुल जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप लोग ज़्यादा गेन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस जगह पर जो है वो प्लॉट लें, और आने वाले 4 से 6 महीनों में इसका जो पोजेशन अनाउंस किया जाएगा तो एक बहुत अच्छा जो है वो जंप इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से जो है वो पहली तरफ जो है वो सेक्टर 1 का, जहाँ पे बड़ा पार्क आएगा, बड़ा पार्क के साथ साथ जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। रिंग रोड के साथ साथ ये सारे रिंग रोड के साथ साथ जो है वो सारा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, सीवरेज लाइन डल चुका हुआ है, तो आप यहाँ पे भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो अब तक के लिए जी इतना ही, ये सिर्फ मैंने वो एरिया कवर किया है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है सेक्टर 1 और सेक्टर 2 की, जहाँ पे नई न्यू डेवलपमेंट हो रही है, पहले वो डेवलपमेंट थी वहाँ पे मैंने उसको अभी नहीं दिखाया क्योंकि सेक्टर 2 में तो स्ट्रीट्स बन गई हैं, वहाँ पे कुछ दिखाने के लायक अब बचा नहीं है। तो क्लाइंट्स को भी हम यही जो है वो कोशिश हमारी यही होती है कि क्लाइंट्स के लिए वो चीज़ लेके आएँ जो न्यू है, जो न्यू डेवलपमेंट हुई है, जो न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, ताकि जिन लोगों के वहाँ पर प्लॉट्स हैं वो लोगों को वहाँ पे जो है वो एक अच्छा फ़ायदा हो और उनको पता चले कि भाई हमारा जो चीज़ें हैं, हमारे जो फाइल्स थी वो वैलिडेटेड प्लॉट्स में कन्वर्ट हुए और अब जो है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, और अगर आप लोग जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं ओवरसीज़ सेक्टर 2 की, ओवरसीज़ 1, ओवरसीज़ ईस्ट की, तो स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक लिंक आ रहा होगा आपके पास, तो उधर जाके आप लोग जो है वो देख सकते हैं। सो दिस इज़ मियां उमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।